क्या आज है हमारे शुएब भाई का आसमान में जाके खेलते हैं ये वाले, और ये फायर शॉट की पेटी लिए जो इसका ये तो भाई ने वाला केक बनाया। देखो भाई शुएब भाई बड़े वाले भाई, भाई देख लो कितना बड़े केक लगवाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हमारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो भाइयों बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनना है, ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। आज ब्लॉग का मकसद ये है कि आज है हमारे शुएब भाई का बर्थडे, आज नहीं मतलब कल है 20 तारीख में बर्थडे उनका। तो अब हम आए थे यहाँ पे, क्या गम की पेटी लेने आए थे। तौसीफ का जो बड़े वाले भाई हैं ना, सगे तौसीफ के भाई हैं जो, वो दिखा देंगे हम तुम्हें ब्लॉग में। तो उनका बर्थडे है, तो उनका जो छोटा वाला भाई है रोजब, वो भी बम ले रहा है, बम लेने के लिए आए थे हम। वो सरप्राइज़ देने की कह रहा हूँ, कहते हैं शुएब भाई को सरप्राइज़ देना और उनको बताना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, करते हैं फिर और क्या। वो कहते हैं चलो बम लेने चल रहे हैं, अभी हम नमाज वमाज़ पढ़ के आए थे, जुम्मे का दिन था। तो नमाज वमाज़ पढ़ के आने के बाद हम सीधा बम की दुकान पर आ चुके हैं बम लेने के लिए। अब यहाँ पर हमने बम ले भी लिए हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा कौन कौन से बम लिए कौन कौन से नहीं, ठीक है। और बाकी तो यार बर्थडे है तो हम तो सभी यार दोस्तों को सरप्राइज़ देते हैं। मैंने पहले भी सबसे कहा था यार तुम भी सरप्राइज़ दिया करो दोस्तों को, तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बम लेने आए हैं, देखो बम ले रहे हैं यहाँ पे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहे। के घर पे आके मिलते हैं और हमें ऑर्डर शायद केक का भी ऑर्डर देना है, या तो तौसीफ दे चुका, या अगर तौसीफ ने नहीं दिया होगा तो फिर हमें जाना पड़ेगा देने के लिए। तो भाइयों चलो चलते हैं, और तुम्हें कम के पैसे भी हमने कर दिए शुएब भाई, ठीक है। सरप्राइज़ मिल रहा है आपको, ध्यान रखना है सरप्राइज़ दे रहा छोटा वाला भाई तुम्हारा बिल्कुल भी। बड़े दिन से कहा था इनने हमें क्या सरप्राइज़ देना, 20 तारीख का बर्थडे शुएब भाई का, सरप्राइज़ दूंगा, शुएब भाई को बताना मत। मेरा ठीक है, आज हम उनके लिए बम लेने के लिए आ गए, बम लेने के लिए ले लिए और यहाँ से चलते हैं। और देखो फाइनली रोज अपने ले लिए, देखो ये बम, ये जो तुम्हें दिखा देते हैं, ये देखो ये एक है 60 की फायर शॉट, और ये तीन बम लिए, देखो निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहे, ये देखो तीन ऊपर जा खेलते हैं आसमान में, जाके खेलते हैं ना आसमान में जाके खेलते हैं ये वाले, और ये फायर शॉट की पेटी लिए जो इसका ये तो बता दो, बता दिया मैंने। शुएब भाई बर्थडे तुम्हारा, दो तुम्हारा छोटा वाला भाई सरप्राइज दे रहा, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। ये व्लॉग चलने चाहिए एलसीडी में बिल्कुल भाई, बहुत दिन से इस बंदे ने मेरे से कह रखी थी कि कि शानू भाई शुएब भाई का बर्थडे है और सरप्राइज देना, मैंने कहा चलो ठीक है भाई देंगे बिल्कुल देंगे। तो आज वो टाइम आ चुका सरप्राइज देने का, आज हमने बम बम भी ले लिए, बम बम लेने के बाद सीधा जा रहे हैं घर पे। अगर तौसीफ ने केक ऑर्डर देंगे, अगर तौसीफ ने केक का ऑर्डर नहीं दिया होगा तो दे देंगे, बाकी तो हम जाएंगे पैसा ऑर्डर करना और तुम्हें दिखाएंगे। चलो मिलता सीधा घर जाने के बाद। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने के लिए, एकदम से प्लान बन गया। एक शायद तौसीफ ने ऑर्डर दे रखा है, किसी रखा वो पता नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा बात हैं केक वाले के ऑर्डर के पास, केक के ऑर्डर दुकान देने के लिए। मैं तुम्हें फ्रेंड से केक दिखाता हूँ, केक देखो कितने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन केक हैं, ये देखो इस दुकान पर आए हम, ये 3-स्टार बेकरी के नाम से केक की दुकान है। तो यहाँ पे रोजब दे रहा अपना, क्या नाम तुम्हारा केक का, कौन सा फोटो दे रहा है रोजब, फोटो दिखा दे एक बार, ये वाला अलवी किंग वाला, ठीक है। तो भाइयों अब फटाफट जल्दी से केक का ऑर्डर दे चुका है, ठीक है। केक का ऑर्डर देने के बाद पानी पिला दो, पानी पीने के लिए मंगाया हमने, पानी पीते हैं फिर बात करते हैं भाई। तो भाई यो अब पानी वानी तो हम पी चुके हैं, अब ठीक है केक का ऑर्डर देने के बाद यहाँ से चलते हैं सीधा घर, घर के लिए बम 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 हमने तुम्हें दिखा दिए, बम बम कितने लिए हमने कैसे लिए। और 8 बजे हम केक के लिए आएंगे यहाँ पे, उन्होंने कहा भाई 8 बजे आ जाना, 8 बजे तुम्हारा केक रेडी मिलेगा। यहाँ से 8 बजे लेके यहाँ से चलते हैं और फिर से घर मिलते हैं। आ चुके हैं अपने घर पे, घर पे आने के बाद अभी हमने तौसीफ को फ़ोन करा, तौसीफ से पूछा हमने कहा है, तो वो कह रहा मैं नहीं चाह रहा हूँ, लो जे लो हमारा तौसीफ भी आ चुका है, तौसीफ भी आ गया है, लो भैया बम की पेटियाँ, तुम्हारे बम बम भी आ गए हमारे लिए, लो चेहरे पे मुस्कान अलग ही दिखाई दे रही है, वो वाली मुस्कान नहीं है, वाली मुस्कान दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, केक का ऑर्डर करा तूने, आया नहीं, वो आएगा भी नहीं मेरा भाई, ठीक है हमें पता था। तो चलो हम तो पेटी पेटी वेटी क्या बाजी की शादी पे लेगा, अच्छा पेटी वेटी आ चुकी है अपना, ठीक है। अब चलो अब जा रहे हैं हम सीधा कहाँ पे, केक का ऑर्डर देने, एक तो हम केक का ऑर्डर दिया है, बाकी एक तौसीफ देने के लिए गिरा है, केक तौसीफ भी देकर आएगा। और चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। A few moments later. Assalamu alaikum. अब राम भाई के पास जाऊंगा नहीं मैं, एक हाथ देखो मार मुर्गी दे, एक हाथ देखो ये नमाज पढ़ के बोल दे, नमाज पढ़ के बोल दे, हाँ चाहे मरेगी, हाँ कबुल्ली की जड़ी मिलेगी, चलो जाओ जाओ
तो भाई हम जा रहे हैं, तो भाई का केक का ऑर्डर देना है। रोज अपने तो कर ही दिया ऑर्डर, बट मेरा दे रहा है, मेरा अभी करना जरूरी है, मेरा उन्होंने इतना कुछ करा है। बाकी तो अभी टूटी मैंने कहा टूटी पूरी चेरी डलवा, तो चेरी भी लेने जा रहा हूँ और केक का ऑर्डर भी देने जा रहा हूँ। तो फिर वही बोलते हैं, तो साधारण भाई ले रहे हैं हमारी टूटी फूटी चेरी है। तो भाई बाल तो कटवा लो यार, गायब हो जाएंगे तो ले लो चुपचाप। ये देखो गायब कर रहे हमारे, इधर वो दादी ने देख लिया, इसलिए वो वापस रख रहे हैं। चेक कर रहे हो रख दो वापस अब। तो भाई हमारे टूटी फूटी चेरी ले आई, अरे टूटी फूटी चेरी लाल बस अरे नहीं हरी बढ़िया नहीं लगती, हरी जब मिल जाती ना खट्टी आ जाता, खट्टा बना रहता। अच्छा हमको सिखा रही है, केक वाला बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा तो भाई बाकी केक वैसा ही बनवाना जैसे मेरा बर्थडे में था, तो वैसा ही केक बनवाऊंगा, क्योंकि सबको भी बढ़िया लगा था, मेरे को भी खाने में बहुत बढ़िया लगा था वो केक, इसलिए तो वैसा ही केक बनवाई हो। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, और भाईजान क्या कर रहे हैं आप? पैकेट याद आ गया, टूटी फूटी चेरी ये हो रही, देखो इनके हाथ में ही है ये रही। बाकी फिर मिलते हैं केक वाले के यहीं। ये रही हमारी टूटी फूटी चेरी जो खाया जा रहा है मेरे भैया की। भैया केक में भी डला है यार, एक ही गंदी मत करो। तेरे केक में तो अपना बहुत सारी थी, तेरे केक में डाल दी ना, तो उस टाइम पे तो हमने और बहुत सारी ली थी, क्योंकि मैं पहली बार ली थी तो पता था नहीं, तो हमने बहुत सारी ले ली थी, कम से कम 300-400 ग्राम ले ली थी हमने, कितनी भी ली थी। तो भाई बहुत सारी लगी हमने, हमने कहा तो बहुत सारी हो गई, हम खा गए बहुत सारी, तो हमने शायद भाई ना भाई साहब बैठते भी बढ़कर, मैं तो सोच रहा हूँ शायद भाई एक लेन लगाएंगे टूटी फ्रूट की, लेकिन उन्होंने दो जो ने तीन लेन लगाई थी, पहले केक लगाया, फिर टूटी फ्रूटी, फिर क्रीम, फिर केक, फिर क्रीम, फिर टूटी फ्रूटी, फिर केक, फिर क्रीम, फिर टूटी फ्रूटी, ऐसे बना दे केक। क्या बना रहा है, चलो जेल मैन होगा, मेरा केक है, ये मेरा बर्थडे है तो जेल मैन होगा ही, तो मस्त लगा था केक मुझे, अनमार ने मेरा चरान कर दी, और जब चरान हो गई तो हमने भी कर दिया, फिर अलमार ने करी तो भैया जवाब के मारी, फयाल के मारी, और सभी के मारे जा रहे हैं, छोटे छम्मे आता छोटे साल के मारे तुमने, हाँ वो भी कह रहा था, लोगों ने बेमारा तक देख लो यार, मैंने भी लोगों ने रोक पाला बड्डे का यार, मेरे फोन में खुद भी ना जी मैल, मेरे फोन में खुला रहता है, तो इसलिए यार मैं देखता हूँ यार लोग, अगर तुमने भी मेरा बड्डे का लोग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में ही पड़ा है, बेहतरीन अभी खाने का मन कर रहा है। बाकी हम अपने केक का ऑर्डर देते हैं साधन भाई, अरे केक का ऑर्डर देके फिर मिलेंगे। तो भाई केक का ऑर्डर दे चुके हैं, भाई ने कहा 10 बजे करीब बन जाएगा, तो या तो हमारे भाई की दुकान पर पहुंच जाएगा या फोन कर देंगे हमें, मिलते हैं फिर तुमसे मैंने। तो फाइनली दोस्तों अब हम आ चुके हैं, अब थोड़ी रात भी हो चुकी है, हमने सीधा दिन से सीधा तुम्हें रात दिखा दिया, रात क्योंकि इसलिए दिखा दिया हमने, सीधा हम आ गए केक वाले के पास, देखो सामने की दुकान है बिल्कुल केक वाले की, यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं केक की दुकान पर, हम आ गए, हमने कहा इन्होंने भाई ने 8 बजे का ऑर्डर दिया था और हम कितने बजे आए, जबकि हम 10 बजे आए करेक्ट, फिर भी अभी तक हमारा केक ऑर्डर नहीं हुआ और रेडी नहीं हुआ बिल्कुल भी, अब कोई बात नहीं, सिर्फ फोटो लगना रह गया, जो फोटो हमने बनवाया था वो फोटो लगना रह गया, अब वो फोटो लगने के लिए अंदर गया हुआ, केक हमें दिखा दिया, केक में तुम्हें दिखाऊंगा कैसा कैसा नहीं, केक जो हमने बनवाया वो दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और बाकी भैया केक रेडी है, रेडी लेके बाद सीधा चलते हैं और स्वीप भाई को फोन करते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं कि कैसा लगा, सरप्राइज कैसा नहीं, उनका रिएक्शन भी लेंगे, और चलो थोड़ी देर में तुम्हें दिखाता हूँ केक कैसा बना हमारा कैसा नहीं, चलो दोस्तों केक बन के रेडी होकर आ चुका है, मैं तुम्हें केक दिखाता हूँ केक कैसे बनाया, मेरा केक भाईजान भाई ने बनाया, भाई का नाम आपका हमीद नाम है, भाई ने वाला केक बनाया, देखो भाई शेफ भाई बड़े वाले भाई, ये भाई का सरप्राइज है भाई के छोटे भाई की तरफ से, ठीक है भाई। तो बाकी तो केक तो बहुत बढ़िया बना, बाकी भाई टेस्ट करके बताएंगे, टेस्ट करके कैसा लगेगा कैसा नहीं, क्योंकि अभी फोटो में ऐसा दिख रहा है कैसा है कैसा नहीं, फिर तुम्हें जाने के बाद पता लगेगा कैसा लगेगा कैसा नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से जा रहे हैं हम सीधा घर पे जाने के बाद भाई बन करना शुरू होगा, घर पे जाने के बाद सीधा तुम्हें दिखाएंगे और आज क्या क्या होता है, जो भी कुछ हो रहा था वो तुम्हें दिखाएंगे और फोन करेंगे सुरेश भाई को, और मिलते हैं सीधा घर जाने के बाद। दोस्तों केक तैयार हो चुका है और हम जा रहे हैं, आप सुरेश भाई को सरप्राइज देंगे तकड़ा सा, ठीक है। देखो भाई हमारे केक लेके जा रहे हैं अपने भाई के लिए, सुरेश भाई के लिए, और ये हमारी
स्कूटी और इन भाई की दुकान, जिसको भी केक चाहिए हो इन भाई की दुकान से ले लें, सरप्राइज भाई भाई की दुकान से ले लें। तो भाइयों वक्त आ रहा है करीब बर्थडे का, मतलब 20 मई का है अभी, तो 19 मई लगी हुई है, फोन खराब हो गया। हाँ मैंने देख रहा था, केक देख ले भाई ने देख ले केक। हाँ यार खोल के रखो खराब हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बाकी एक केक ये रहा, एक केक वहाँ रखा हुआ मारू भाई क्या, और चलते हैं मारू भाई क्या तैयारी करते हैं उनके घर के आगे ही करेंगे सब कुछ। तो चलो, तो मारू भाई को नाम लिखवाने के लिए, नाम क्या लिखोगे आप ये बता दो। नाम भाई लिखेंगे, माई ब्रदर टीम 94। नहीं नहीं, मोहम्मद जितेंद्र। क्या बोला तूने? मोहम्मद जितेंद्र मोहम्मद जितेंद्र यहाँ तो बेकार कर दिया शानू भाई ने, बेकार करा भाई, पोटी से उठ रही है भाई ने। नहीं बेकार करा दोस्तों, पहले बता रहा हूँ मैंने, देखो कैसे लिखा जा रहा है। तो हमारा पिल्ला आ चुका है, चाचा भी आ चुके हैं, केक कटने वाला है, बाकी केक तो हमारा अंदर रखा हुआ है, दो दो केक है, तो भाई भी आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं बिल्कुल भी। आ गए भाई, और भाइयों बारिश आएगी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हाँ हाँ नंबर देंगे। और भाइयों कौन सा बयान वो गायब है, पूरा कर दे पूरा कर दे। हाँ बाकी तैयारी व्यारी चल रही है हमारी, और एक पर टूल केक वगैरह और फायर कोट वगैरह पीछे लगेंगे। अच्छा फोटो सारा फुटेज फुटेज पिछवाड़े के नीचे रखो, इसे पिछवाड़े के नीचे रखो कुछ भी। इसका वलीमा है ना? नहीं क्या बोला? वलीमा इसका बाकी पंद्रह। ये क्या भैया? तीन शॉट है, ऊपर जाके फूटेंगे रंग बिरंगे वाले, रंग बिरंगे वाले, रंग बिरंगे वाले फूटेंगे, ध्यान बाकी फायर। ये फायर शॉट है, ये फायर शॉट, और ये बाकी ये तो पीछे लगेंगे, ये दो फायर पहले इंजन में रखेंगे, और बाकी ये शॉट तो पीछे ही रखे जाएंगे। ऐसी पकड़ेगा जो हमारा चला रहे हैं वो ही चला रहे हैं, ये अलविकिन बड़ा मादरचोद बच्चा है, बाकी देख रहे हो कितना बड़े पेज लगवाए हाउस क्या सही है। पुलिस वाले आ गए, बंदूक है फायरिंग करेंगे। मैं शोएब भाई को लेकर आ रहा हूँ, फोन कर रहा दोस्तों, ये कह रहा इधर आके कि शोएब भाई लड़ाई हो गई मेरी, यहाँ पे देखो सरप्राइज देगा, सरप्राइज दे दोस्त, सरप्राइज फोन काट रहा है, सरप्राइज देगा। अबे रुके लड़ाई हो गई, रुकेगा लड़ाई हो गई, फाड़ दे सर फाड़ दे उसका, है ना रुके सर फाड़ दिया मेरा। हेलो तो पाँच में बैल दी, जल्दी आओ दो मिनट के अंदर फटाफट। लड़ाई अबे किससे हुई है, कह रहा है अबे तूने लड़ाई के बारे में तो तूने बोला नहीं यार। चलो तो कोई बात नहीं, लड़ाई के बारे में तो इन्होंने बोला नहीं बिल्कुल भी, बाकी ये तो शोएब भाई की पेटी फाड़ चुकी है, शोएब अनवी माय ब्रो लिख रखा है ये, तो ये किसकी तरफ से? मेरी, ये तौसीफ की भी तरफ से, ध्यान रखना ये मेरी तरफ से, ये सर सोनी ब्रो है टीम 94 की तरफ से, टीम 94 की तरफ से, ये वाला टीम 94 की तरफ से। अबे ये पीछे चलेंगे, अच्छा ये पीछे चलेंगे, ये देखो अनपढ़। बाकी अब तुम्हें शोएब भाई आते हैं, बिल्कुल अभी देखा है हमने। भाई आओ कैसा लग रहा है भाई, सरप्राइज देख के
भाई कैसी बात कर रहे हो? आओ काटो, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े la melody करो भाई साहब, पेटी फटने वाली है, बम माहौल बनने वाला है, बहुत बढ़िया माहौल बनेगा। ये देखो आग लगा रहे हैं, जा लग गई आग। ये फट गए। ओए ओए लग गई भाई, क्या लग गई? अबे लग गई लग गई लग गई भाइयों। यहाँ पे हमने सब कुछ हो गया हमारा प्रोग्राम, तो किसका बर्थडे था, वहाँ पे आग लग गई ऊपर, तो हम अब जा रहे हैं घर। आग वाग लग गई उसके फायरगन सब से, तो बाकी चलते हम। तो बहुत रिक्शा का काम था, सबने आग बुझाई, हम सबने जाके तो चलते हैं गोदाम पे, चलते हैं हम, चलो गोदाम पे मिलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने कर लिया पार्टी और अब करते हैं व्लॉग को यहाँ पर हम एंड। सब कुछ हो गया, एक सीन हो गया एक सीन हो गया था थोड़ा सा, जो हमारे थे ना जो दिखाए थे, वो तो एक हादसा था, एक्सीडेंट था ये, कि वो अचानक ही वो पेटी मुड़ गई और इधर उधर जाने लगे वो शॉट। तुमने तो देखा शानू भाई के भी लगा, और एक के घर में आग लग गई, उसका गद्दा चल गया ऊपर, बहुत तेज आग लगी। तो भाई मैं आपसे भी कहूंगा थोड़ा रिक्सी है मतलब, तो थोड़ा अगर आप लोग भी जलाओ तो यार मैं सही से रख के जलाऊ, उसे सही से रख के एक समतल सी जगह पे रख करके उसे जलाओ, सी जगह और खुली जगह। तो चलो फिर यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, और ब्लॉग अब तक अच्छा लगा हो तो मैं उम्मीद करते हैं करो शेयर करो, ठीक है? अब तो इसकी सुन लो, इन्होंने मेरी बात भी काट दी, अब तो सुन ही लेना इसकी, ठीक है ना? और लाइक कमेंट शेयर जल्दी से कर दो, और तौसीफ का जो बर्थडे वाला व्लॉग है मैंने भी नहीं देखा, मैं भी डिस्क्रिप्शन में जाके अब देखूंगा, तुम भी वहीं से जाके देख लेना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है रामनगर गए थे, नैनीताल वगैरह गए थे ना, तो रामनगर गए थे, तो पर वो डली पाया किसी कारण, काफ़ी मतलब डिले होता रहा, अब फाइनली रामनगर का ब्लॉग आने वाला है, रेडी रहना, बहुत मजा आएगा रामनगर में। वहाँ क्या कहते हैं राउंड 12 की शूटिंग हुई थी, वहाँ पे जोम्बी 2 की, तो वहीं शूट हुई थी, वहाँ गए थे हम, सब कुछ दिखा रखा वहाँ का, बहुत बढ़िया व्यू था, बहुत अमेजिंग, मैं तो नहाया भी था वहाँ पे नहर में, तो देखना जरूर। तो फिर मिलते हैं तुमसे उस वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।